देखिए अब एग्जाम्पल 16 चलेगा, 15 तक पिछले वीडियो में हो गए थे। एग्जाम्पल 16 है ना, इसमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि वन प्लस ए वन वन, वन वन प्लस बी वन, यहाँ पर वन वन और वन प्लस सी बराबर सिद्ध करना है ए बी सी इंटू वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी, है ना, ये सिद्ध करना है। तो LHS लेते हैं अपन। LHS में है वन प्लस ए वन वन, वन वन प्लस बी वन, या वन वन और वन प्लस सी, है ना, ये। अब हम इसमें इस तरह की संक्रिया लगाते हैं, आर वन में से तो ए कॉमन ले ले, आर टू में से ले ले बी, और आर थ्री में से सी। तो यह लिखो आर वन आर टू व आर थ्री में से क्रमशः ए बी व सी उभयनिष्ठ लेने पर, ना, तो बाहर तो हो जाएगा ए बी सी। अब देखो यहाँ से ए कॉमन लिया है तो ए का भाग लगेगा, तो जब यहाँ ए का भाग लगेगा तो वन प्लस वन अपॉन ए हो जाएगा, वन प्लस वन अपॉन ए, यहाँ पर भी वन अपॉन ए और यहाँ पर भी वन अपॉन ए। इसमें से बी कॉमन लिया है तो यह हो जाएगा वन अपॉन बी, यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन बी और यहाँ पर वन अपॉन बी। इसी प्रकार से यहाँ से सी कॉमन आया है तो वन अपॉन सी, यहाँ पर भी वन अपॉन सी और यहाँ वन प्लस वन अपॉन सी, है ना, ये आ गया। अब हम संक्रिया लगाते हैं आर वन में आर टू और आर थ्री को जोड़ देते हैं। तो यहाँ आर वन टेंस टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये संक्रिया लगाएं। तो बाहर तो ए बी सी है ना, जब आर वन आर टू और आर थ्री को जोड़ेंगे तो वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी हो जाएगा, वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी, है ना, ये जुड़ेंगे। ऐसे ये जुड़ेंगे तीनों तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी हो जाएगा। ऐसे ये तीनों जुड़ेंगे तो यहाँ पर भी वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी हो जाएगा। बाकी लिख देते हैं जो कि जो वन अपॉन बी वन प्लस वन अपॉन बी और ये वन अपॉन बी। ऐसे यहाँ पर वन अपॉन सी, ये भी वन अपॉन सी और यहाँ पर वन प्लस वन अपॉन सी, है ना। अब आर वन में से आर वन में से वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी उभयनिष्ठ लेने पर, है ना, कॉमन ले रहे, तो बाहर हो जाएगा ए बी सी इंटू वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी। अब क्या बचेगा, यहाँ पर तो एक 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 बचेंगे, एक
एक एक, यहाँ पर वन अपॉन बी है, ये वन प्लस वन अपॉन बी है और यहाँ पर वन अपॉन बी है, यहाँ पर वन अपॉन सी है, यहाँ पर भी वन अपॉन सी है और यहाँ वन प्लस वन अपॉन सी है ना। अब हमें इनमें से कोई से भी दो जीरो करना है, तो देखो इनमें दो दो पद हैं, इन सब में एक एक है सी वन में, तो सी वन को सी टू में से और सी थ्री में से घटा लेते हैं। तो यहाँ संक्रिया लगाओ, सी वन सी टू टेंस टू, सी टू माने सी वन तथा सी थ्री टेंस टू, सी थ्री माने सी वन। तो यहाँ पर जगह तो एक स्टेप लिख दे, ए बी सी इंटू वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी। यहाँ क्या बचेगा, देखो सी वन में कोई परिवर्तन है ही नहीं, तो वन वन अपॉन बी और ये वन अपॉन सी, इसमें से सी टू में से सी वन को घटाएंगे तो एक में से एक घटेगा जीरो, वन प्लस बी वन अपॉन बी घटेगा तो वन कर एक बचेगा है ना, वन अपॉन सी में से वन अपॉन सी घटेगा जीरो बचेगा, ऐसे वन में से ये वन घटेगा जीरो बचेगा, वन अपॉन बी में से वन अपॉन बी घटेगा जीरो, वन प्लस वन अपॉन सी में से वन अपॉन सी घटेगा वन बचेगा है ना। अब हम इसको आर वन के अंदर सॉल्व कर देते हैं, तो इसको इधर लिखता हूँ, अब हम इसको R1 के अंदिश, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो देखो भार तो है यहाँ ए बी सी इंटू वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी। अब जब इसको हम R1 के अंदर हल करेंगे तो एक के लिए हल होगा, तो एक के लिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा, एक गुणा एक एक रहेगा माइनस जीरो, एक माइनस जीरो। अब इस जीरो के लिए हल करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, इस जीरो के लिए भी जीरो हो जाएगा, तो माइनस जीरो प्लस जीरो। तो यहाँ पर आ गया ए बी सी इंटू वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी और प्लस वन अपॉन सी, यहाँ पर बचेगा एक, एक से जब गुणा करेंगे तो यही आएगा, तो यही हमें सिद्ध करना है आर एच एस है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया एग्जाम्पल सोलह। अब है एग्जाम्पल सत्रह, सत्रहवें में समीकरण है, ये समीकरण x प्लस ए बी सी सी x प्लस बी ए ए बी और x प्लस सी बराबर है जीरो को हल करना है, अर्थात एक्स का मान निकालना है ना, को हल कीजिए। तो यहाँ से हमें एक्स का मान निकालना है,
तो देखो हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, x प्लस ए बी सी, सी एक्स प्लस बी ए, और ए बी एक्स प्लस सी। अब इसमें हम संक्रिया लगाते हैं, इसके बराबर जीरो है। यदि हम सी वन में सी टू और सी थ्री को जोड़ देते हैं तो देखो क्या बनेगा, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर भी एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, यहाँ पर भी एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। तो यहाँ संक्रिया लगा रहे हैं, सी वन टेंस टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। सी वन के स्थान पर सी वन सी टू और सी थ्री तीनों स्तंभों को जोड़ करके लिखना है। ये पहला स्तंभ, ये दूसरा और ये तीसरा। तो क्या आएगा यहाँ पर देखो, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा यहाँ। ये जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी x प्लस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पर भी x प्लस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। बाकी दूसरा स्तंभ लिखो b, x प्लस बी और ये b। तीसरा स्तंभ लिख दो c a x प्लस सी, बराबर है जीरो। अब प्रथम स्तंभ में से, पहले स्तंभ में से कॉमन आ रहा है, तो c1 में से x प्लस ए प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, तो यहां से x प्लस ए प्लस बी कॉमन आ गया, ये तो आ गया बाहर। यहाँ पर क्या बचेगा, एक एक एक। दूसरे स्तंभ में b x प्लस बी और ये b। तीसरे स्तंभ में c a x प्लस सी और ये बराबर है जीरो। अब हमें इनमें से कोई भी दो जीरो करना है c1 में, है ना। तो ऐसे करते हैं अपन, सी आर वन में देखो यहाँ पे एक एक अवयव है, तो आर टू में से भी आर वन को घटा दो और आर थ्री में से भी आर वन को घटा दो। तो यहाँ अपन संक्रिया लगा रहे हैं, आर टू टेंस टू आर टू माइनस आर वन तथा आर थ्री टेंस टू आर थ्री माइनस आर वन, दोनों में से आर वन को घटा देंगे। तो यहाँ बचेगा, ये तो बाहर है, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब आर वन में कोई परिवर्तन नहीं, ये तो लिख दो ज्यों की त्यों, वन प्लस बी और यहाँ सी। अब इस एक में से ये घटेगा तो जीरो हो जाएगा, एक्स प्लस बी में से बी घटेगा तो एक्स बचेगा, ए में से सी घटेगा तो ए माइनस सी हो जाएगा। ऐसे ही इस एक में से ये घटेगा तो यहाँ जीरो हो जाएगा, बी में से बी घटेगा फिर जीरो हो जाएगा यहाँ, एक्स प्लस सी में से सी घटेगा तो एक्स बचेगा और बराबर है इसके जीरो। अब देखिए यहाँ दो जीरो हो गए हमारे पास, तो सी वन के अंदर सॉल्व कर दो इसको, सी वन के अनुदिश प्रसार करने पर। तो यहाँ पर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, अपन इसको c1 के अंदर हल करेंगे, तो एक के लिए हल करेंगे तो पहली इस पंक्ति और पहला स्तंभ छूट जाएगा, x गुणा x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको जीरो से गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा। इन दोनों के लिए हल करेंगे तो जीरो आएगा ही, तो माइनस जीरो प्लस जीरो और बराबर जीरो है। तो यहाँ हो गया एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इन टू, यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। तो दो गुणनखंड हो गए, एक तो एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो,
एक हो गया एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। तो यहाँ से तो x का मान आ गया x बराबर, जब पक्षांतर करेंगे तीनों ही मान इसके हो जाएंगे, मान इसको कॉमन ले लें a प्लस बी प्लस सी, और एक x का मान यहाँ से आ गया जीरो, है ना। तो इस प्रकार से x के दो मान आ गए। तो ये हो गया एग्जाम्पल 17। अब हमें एग्जाम्पल 18 करना है। एग्जाम्पल 18 में सिद्ध करना है हमें, सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है। देखिए एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यह है वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई बराबर एक एक एक, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, फिर बराबर वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई इंटू वाई जेड प्लस जेड एक्स और प्लस एक्स वाई, है ना, ये सिद्ध करना है। तो इसमें दो भाग सिद्ध करने हैं, इससे ये सिद्ध करना है और फिर ये सिद्ध करना है। तो पहले भाग को लेते हैं अपन, LHS बराबर है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई। अब पहले ये सिद्ध करेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर एक्स हो, यहाँ पर वाई हो, यहाँ पर जेड हो, तो तीनों स्थानों पर समान संख्या एक्स वाई जेड बन जाएगी और वो कॉमन आ जाएगी। तो इसलिए हम इसको तो सी वन को तो एक्स से गुणा कर दें, सी टू को वाई से गुणा कर दें और सी थ्री को जेड से गुणा कर दें। तो यहाँ लिखो सी वन टेंस टू एक्स सी वन, है ना, एक्स सी वन तथा सी टू टेंस टू वाई सी टू और सी थ्री टेंस टू जेड सी थ्री। C1 को x से गुणा करके लिखें, C2 को y से गुणा करके लिखें और C3 को z से गुणा करके लिखें। तो जब हम गुणा कर रहे हैं तो बाहर भाग लगेगा एक्स वाई जेड का, तो x वन अपॉन एक्स वाई जेड, इसको x से गुणा करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब और यह हो जाएगा एक्स वाई जेड। C2 को y से गुणा करेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ y क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई जेड, है ना। इस तरह से C3 को z से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा z स्क्वायर, यहाँ z क्यूब और ये भी हो जाएगा एक्स वाई जेड, है ना। अब R3 में से एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा है, आर थ्री में से एक्स वाई और जेड उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ लेने पर, तो जब यहाँ से एक्स वाई जेड कॉमन आएगा तो बाहर एक्स वाई जेड बटे एक्स वाई जेड है ही है पहले से, तो यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, तो ये तो एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर,
ये जेड स्क्वायर, यहाँ पर एक्स क्यूब, ये वाई क्यूब और ये जेड क्यूब, यहाँ भी एक बचेगा, यहाँ भी एक बचेगा और यहाँ भी एक बचेगा। अब हमें ये बाहर एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड तो कट ही जाएगा, है ना, एक हो जाएगा बाहर। तो पहले तो आर वन और आर टू को बदल दो। आर वन नहीं, आर टू और आर थ्री को, आर टू रिवर्स और आर थ्री, है ना, आर टू को तो आर थ्री के स्थान पर और आर थ्री को आर टू के स्थान पर लिखो। तो जब दो कोई भी दो पंक्तियों का विनिमय किया जाता है तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है, है ना। तो मानिस हो जाएगा यहाँ, इसको पहले आर वन को तो लिख दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये बदल जाएंगे, मानिस चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ आ गया वन वन वन, फिर आ जाएगा यहाँ पर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, है ना। तो ये अपन ने आर टू और आर थ्री को बदला। अब आर वन और आर टू को बदल दो, है ना, आर वन रिवर्स रिवर आर टू, आर वन और आर टू को बदलेंगे, ये यहाँ चले जाएगा, यहाँ आ जाएगा, लेकिन वापस मानिस आएगा और मानिस पहले से ये, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बाहर, और ये आ जाएगा यहाँ वन 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 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पर एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। तो फर्स्ट भाग तो हमको यही सिद्ध करना है, तो ये तो ये आ गया एक। तो अब इससे ये सिद्ध करना है ना, तो फर्स्ट भाग तो हो गया तुम्हारा ये। अब इसको लेंगे और इसको सिद्ध करेंगे, तो पुनः यहीं से चालू करते हैं, है ना, इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ तक तो ये हो ही गया। अब दूसरा भाग लेंगे, दूसरे से उसको करेंगे सिद्ध। तो अब इस पे आ जाओ, यहाँ यहाँ पर है एल एच एस में बराबर एक एक एक, ये अभी सिद्ध किया था अपन ने, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये एक्स क्यूब वाई क्यूब और ये जेड क्यूब, है ना। अब हमें इनमें से कोई भी दो जीरो करना है। तो देखो सी वन में से सी टू घटा दो और सी टू में से सी थ्री घटा दो, ये दो जीरो हो जाएंगे। तो C1 वन टेंस टू सी वन मानी सी टू तथा C2 टू टेंस टू सी टू मानी से सी थ्री, सी वन में से सी टू घटेगा, एक में से एक घटेगा, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर मानिस वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक्स क्यूब मानिस वाई क्यूब हो जाएगा, है ना। अब C2 में से C3 घटेगा, तो एक में से एक घटेगा, तो ये जीरो हो गया। यहाँ पर वाई स्क्वायर में से जेड स्क्वायर घटेगा, तो वाई स्क्वायर मानिस जेड स्क्वायर हो गया, यहाँ वाई क्यूब मानिस जेड क्यूब हो जाएगा, है ना। और ये तीसरा स्तंभ जो कहते हैं एक जेड स्क्वायर और जेड क्यूब। अब देखिए यहाँ से सी वन में से तो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स मानिस वाई, सी टू में से वाई मानिस जेड, ओवन स्टार है, कॉमन आ रहा है, तो ले लेते हैं सी वन में से एक्स माइनस वाई तथा सी टू में से वाई माइनस जेड ओवन स्ट, लेने पर तो यहाँ क्या बचेगा, जब कॉमन जाएगा तो बाहर तो आ जाएंगे कितने, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, ये तो आ गया कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा, देखो ये तो जीरो है ही, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में से एक्स माइनस वाई कॉमन गया, तो यहाँ बचेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का गुणनखंड होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ एक्स प्लस वाई बच जाएगा, है ना।
अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का गुणनखंड है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये गुणनखंड होता है। तो एक्स माइनस वाई तो कॉमन गया ही बाहर, तो क्या बचेगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ये बच गया सी वन में। अब सी टू में से वाई माइनस जेड कॉमन आया है, तो इसी प्रकार से यहाँ तो जीरो, यहाँ बचेगा वाई प्लस जेड, और इसी सूत्र से इसके गुणनखंड क्या होंगे, वाई माइनस जेड इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, है ना। तो y माइनस जेड कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड और यहाँ प्लस जेड स्क्वायर। तीसरा स्तंभ जो कि तो लिखी दो, एक जेड स्क्वायर और ये जेड क्यूब, है ना, तो ये हो गया। अब हम आर वन के अंदेश प्रसार कर देते हैं इसका, इसके अंदेश आर वन के अंदेश, तो यहाँ आर वन के अनुदेश प्रसार करने पर, तो बाहर कॉमन है एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। अब इसको जब सरल करेंगे तो देखो जीरो के लिए हल करेंगे तो जीरो हो जाएगा पूरा, इसके लिए जीरो के लिए हल करेंगे तो माइनस जीरो पूरा जीरो हो जाएगा, एक के लिए हल करेंगे तो इसका चिन्ह रहेगा प्लस का, है ना। अब एक के लिए हल करने के लिए हमें पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ना है, तो ये तो गुणा होगा इससे एक्स प्लस वाई, यहाँ बड़ा कोष्टक यहाँ लगा देता हूँ मतलब एक्स प्लस वाई तो गुणा होगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर से, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर से, माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर गुणा होगा वाई जेड से, वाई प्लस जेड से, तो वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये इससे गुणा हो गया, ये मझला बंद और बड़ा भी बंद। तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, अब ये दो तो जीरो हो गए, एक से गुणा करेंगे यही रहेगा, इनको गुणा कर देते हैं अपन। पहले x से गुणा करें इसको, क्या होगा x गुणा वाई स्क्वायर करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, x को yz से गुणा करेंगे तो